वक्त एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर आ रही है। लखनऊ के हजरतगंज के गौतमपल्ली थाना क्षेत्र स्थित मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर उस वक्त यहां अफरा तफरी का माहौल हो गया जब कानपुर की तलाकशुदा महिला सीएम आवास पहुंची और खुद को सीएम योगी की प्रेमिका बताया। हाथ में स्टैम्प पेपर था और उस पर अपना लव लेटर लिखा था। इस महिला का दावा है कि बीते एक साल में सीएम योगी ऑनलाइन सुबह से लेकर रात तक उसके साथ रहते हैं। सीएम से महिला को प्यार हो गया है और अब जीवन भर उनके साथ रहना चाहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पत्नी पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, कौन है ये महिला, क्या कहती है ये महिला, क्या क्या बड़ी बातें योगी आदित्यनाथ को लेकर इस महिला ने कही है, सुनिए जरा। एसपीएन 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट। बता, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव है और कानपुर सिटी से हम हैं। आज योगी जी यहाँ पे क्या करने आए मुख्यमंत्री? यहाँ मुख्यमंत्री जी के लिए हम अपना प्रेम पत्र लेकर के आए। मेरी जो फीलिंग है उनके प्रति वो हम लिख करके इस लेटर में लाए हैं, है ना। एक साल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मेरी उनसे बातचीत हो रही है, काफ़ी प्यार की भी बातें हो रही हैं, इसलिए हम पूरी लाइफ उनके साथ में रहना चाहते हैं, है ना। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। एक साल से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, हम चाहते हैं कि अब वो आमने सामने आकर के हमसे बातचीत करें, है ना, और ये बताएं कि जो लेटर में हमने लिखा है इन बातों में सच्चाई है कि हम झूठ बोल रहे हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमें जेल भेज दें, है ना। लेकिन हम चाहते हैं एक बार वो आमने सामने आकर के बातचीत करें, वो हमसे परिचित हैं कि नहीं, वो हमसे प्यार करते हैं कि नहीं, पूरी लाइफ मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे। इसीलिए ये लेटर में हमने सारी बातें लिख दी हैं जो एक साल से मेरे उनके बीच में हो रहा है। तो एक साल से वो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, जो भी मैटर है ये सारा हमने लेटर में लिख करके 2 दिन पहले डिप्टी सीएम को दिया है। आज जाकर के उनके स्वागत कक्ष में स्टाफ में दिया हमने, तो उन्होंने ये लेटर मेरा मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा दिया। उनका जब टाइम होगा तब हम मिलेंगे अपॉइंटमेंट के लिए, है ना। हम उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं उन्हें मेरी लाइफ का डिसीजन लेना होगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और उनसे हमें इतना ज़्यादा एक साल से बातचीत करके इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया, लगाव हो गया है कि उनके बिना रह नहीं सकते। हम चाहते हैं कि हम पूरी लाइफ उनके साथ में रहें और वो भी इस बात का क्लियरिफिकेशन करें कि पूरी लाइफ मेरे साथ में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। आपकी मुलाकात उनसे किस तरह से हुई? मेरी मुलाकात उनकी सार्वजनिक रूप से गोरखनाथ मंदिर में हुई थी, गोरखपुर में। लेकिन हमने उस समय उनको प्रपोज़ नहीं किया कभी मैरिज के लिए, या कभी लव के लिए, या कभी इस मैटर पर हमने बात नहीं करी। हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स वाला लेटर दिया उनको, कभी इस मैटर पर बात नहीं। लेकिन हम इतना ज़्यादा परेशान है, मेरी लाइफ का डिसीजन है, इसलिए हम फाइनली चाहते हैं कि सामने आकर के बातचीत करें। एक साल से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आकर के वो स्पष्ट रूप से सामने आकर के हमसे बातचीत करें कि मेरी बातों में सच्चाई है कि नहीं है, और वो पूरी लाइफ मेरे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, मेरे साथ रिश्ता बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। हम ऐसे अकेले नहीं अपना जीवन अब बर्बाद कर सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। और सिर्फ एक बार उनसे मिलने के लिए तो कह रहे हैं, अगर इन बातों में एक भी शब्द अगर झूठ है तो हमें जेल भेज दें, है ना। तो गोरखनाथ में आपकी मुलाकात हुई, किस लिए आप गोरखपुर गए थे? हम गोरखपुर गए थे तो अपनी समस्याओं वाला लेटर लिख के गए थे कि मतलब हम फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम है और फैमिली से अलग रह रहे हैं 3 साल से, और हम मैरिज नहीं करना चाहते। मेरी एक मैरिज हो चुकी है, डाइवोर्स हो चुका है, अब हम सेकेंड मैरिज नहीं करना चाहते, तो मेरी लाइफ का क्या होगा और मेरा क्या सेटलमेंट होगा। ये सारी प्रॉब्लम्स का लेटर हमने उनको दिया है, कभी हमने उनको लव की बातें नहीं करी है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात होती है वो सारी बातें हमने उनसे नहीं करी है, है ना। बस यही सारी बातें करने के लिए अब हम आए हैं। हम चाहते हैं कि अलग से हमें टाइम मिले जिससे उनसे सारी बातें कर सकें, अपनी ये फीलिंग बता सकें, और ये जो हमने लेटर में लिखा है ये उनसे पूछ सकें इन बातों में सच्चाई है कि नहीं है, वो हमसे परिचित है या नहीं है। जैसा कि आज आप आज आई हैं, कल योगी जी का 2 दिन पहले भी हम आए थे, 2 दिन पहले हम आए थे, तो ये लेटर हमने डिप्टी सीएम को दिया था, उन्होंने कहा ये मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा दिया जाएगा। अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं एक बार मेरी आमने सामने उनसे बातचीत हो जाए, हम उनको ये लेटर देना चाहते हैं, अपनी सारी भावनाएं उनसे कहना चाहते हैं। हम चाहते हैं मेरी लाइफ का डिसीजन कर दें कि मेरे लाइफ का सेटलमेंट कैसे होगा। अब हमें उनसे इतना ज़्यादा लगाव हो गया, इतना ज़्यादा उनसे अट्रैक्शन हो गया कि हम उनके बिना नहीं रह सकते, उनको भूल नहीं पाएंगे, इसलिए हम अपनी लाइफ का कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सेकेंड मैरिज करें कि कहाँ जाएं, क्या न करें, मेरी ये कुछ नहीं समझ में आ रहा। मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वीडियो कॉलिंग बात हुई आपकी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने आपसे कभी उनसे कहा ऐसा, और उन्होंने क्या जवाब दिया? देखिए, कोई मोबाइल नंबर के थ्रू तो बातचीत होती नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एक रिपोर्टर भी रहते हैं साथ में, तो अपनी सारी योजनाएं बताते रहते हैं, इधर उधर की कई तरीके की बातें करते हैं। उसी में काफ़ी बार उन्होंने कहा इधर आओ, और मतलब आई लव यू भी बोला कई बार, तब हमें पता चला उनकी फीलिंग क्या है ना।
उनकी फीलिंग के बेस पर ही हम इतना ज़्यादा इमोशनल हुए कि हम अपनी लाइफ का कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सिर्फ उनके प्यार की वजह से, उनके इमोशंस की वजह से। कि नहीं, ऐसा नहीं है कि उनके इमोशंस में सच्चाई नहीं है। जब हमने उनके इमोशंस में सच्चाई देखी तब हमने डिसीजन लिया कि नहीं, अब हम सेकेंड मैरिज नहीं करेंगे, हम पूरी लाइफ इन्हीं के साथ में रहना चाहते हैं। हमें पता है वो सन्यासी हैं, मैरिज के सपोर्ट में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम अकेले रहते हैं, अलग रहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं उन्हीं के संरक्षण में रहें, हमें सेकेंड मैरिज ना करनी पड़े, उन्हीं के साथ में रहें। उनको मतलब छोड़ नहीं सकते अब हम, कि नहीं उनको भूल जाएँ और उनके साथ जो एक साल से हम जुड़े हुए हैं ये सारी बातें भूल जाएँ। लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, फैमिली से अलग रह रहे हैं 3 साल से अकेले, कभी हॉस्टल में रहते हैं, कभी रेंट का रूम लेकर के रहते हैं, ऐसे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और मेंटली हम डिस्टर्ब हुए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो रहे हैं। कभी कभी तो मेरा मन होता है कि हम सुसाइड कर लें, हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कभी कभी लगता है हम क्या कर रहे हैं, क्या। मम्मी भी कहती है कि नहीं सेकंड मैरिज कर लो, लेकिन हम सेकंड मैरिज के सपोर्ट में इसलिए नहीं क्योंकि हम इनको नहीं भूल सकते हैं। तो हम चाहते हैं एक बार ही सामने आकर के बातचीत कर लें, जो जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 1 साल से बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं आमने सामने आकर के बातचीत कर लें। योगी जी आपको नहीं मिलेंगे तो आप क्या करें, अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हम कुछ भी नहीं बता सकते, मेरा तो मन होता है कि हम सुसाइड कर लें, अगला कदम यही हो सकता है। फिर कल उनका जन्मदिन था, क्या आपकी बात हुई उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू? हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात हुई। हमने उनको एक लेटर में ऐसे ब्लैंक पेपर में लिख करके उनको मतलब बर्थडे विश भी किया, उनको काफ़ी हमने बातें कही उनसे, लेकिन यहाँ पर नहीं है, डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं हुई। डायरेक्ट अगर मेरी बातचीत होती तो ये बताएं यहाँ क्यों इतनी देर धूप में दौड़ रहे होते? 3 दिन से आप लोग यहाँ टहल रहे हैं, अभी तक किसी से? 2 दिन पहले हम आए थे, ये लेटर में डिप्टी सीएम को दिया था, है ना, ये लेटर में डिप्टी सीएम को दिया था, उन्होंने कहा था लेटर पहुंचा देंगे। अभी गए सीएम किसको? केशव प्रसाद मौर्य जी को। हाँ, तो मौर्य जी ने क्या कहा, पहुंचा देंगे? हाँ, हमने उनको सारी बातें भी बताई, बहुत लोग थे तो उन्होंने कहा था ठीक है हम आपका जो लेटर है उन तक पहुंचा देंगे। अभी हम गए थे स्वागत कक्ष में, उनका स्टाफ बैठा हुआ है स्वागत कक्ष में, जो मीटिंग कराते हैं, जो अपॉइंटमेंट देते हैं, तो उन्होंने कहा ये लेटर उन तक पहुँचा दिया गया, उन्होंने पढ़ भी लिया है, उनसे बातचीत भी हुई है स्टाफ में, उन्होंने कहा लेटर उन तक पहुँचा दिया गया, जब वो टाइम देंगे तब आपसे मिलेंगे। जैसा कि आपको लगता है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए तो कोई हम पे विश्वास नहीं करता, इसीलिए लोग कहते हैं एविडेंस, तो भाई हम एविडेंस क्या दें? एविडेंस हम हैं जो एक मुख्यमंत्री जी के लिए इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, कोई नॉर्मल पर्सन के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। हम भी जानते हैं, हमने कभी रिकॉर्ड नहीं, कभी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मेरी ऐसी कोई मेंटेलिटी नहीं है कि उनको कभी ब्लैकमेल करें या कुछ ऐसा करें, तो कभी हमने रिकॉर्डिंग करी ही नहीं।